सो एवरीवन, ये कोलकाता का हाईएस्ट पेड जॉब्स होने वाला है, हाई सैलरी जॉब्स इन कोलकाता लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसे में अनपढ़ भी है, लाइक कि 8वीं पास है, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं, 10वीं 12वीं सभी कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि कंपनी ने हायर किया है ओनली फॉर लेबोरियस पर्सन के लिए। मतलब कि जो भी मेहनती लोग हैं वो इस कंपनी में काम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के, और उनको काम भी मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम जो प्रोसेस आपको बताने वाले हैं उसको सिंपल सा आप फॉलो कीजिए, काम की तो गारंटीड है, डेफिनेटली मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बोलता हूँ, जब आप वीडियोस में आते हो तो प्रॉपरली उसे पूरा देखो, ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो पूरा मिले। हो सकता है कि आपको ये वीडियोज़ का क्वालिटी बहुत ही भद्दा लगे, इसे इग्नोर करना, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना कि आप वीडियो देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो वैसा क्वालिटी चाहिए, तो इसे इग्नोर करना। जस्ट बिकॉज कि हम आपके साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने आए हैं ये मशीन हेल्पर जॉब्स है, मतलब मशीन का हेल्पर ही करना है, उसके लिए जॉब्स है। सो इसमें जो है ड्यूटी 12 आवर्स की शिफ्टिंग है, और जो मशीन रहेगा मैन्युफैक्चरिंग मशीन रहेगा, उसमें आपको हेल्पर का काम करना है। ड्यूटी 12 आवर्स की शिफ्टिंग है, और महीने में आपको 26 दिन ही काम करने, मतलब कि आपका संडे को छुट्टी होने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंटेड होता है, किसी भी कंपनी में आप जाते हो काम करने के लिए, जब उसमें 12 आवर्स की ड्यूटी रहती है तो एटलीस्ट एक दिन तो छुट्टी मिलता है, और मिलना तय रहता है, क्योंकि जरूरी होता है एक दिन रेस्ट लेना, और एक दिन रेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो महीने में 4 छुट्टी है और संडे को ऑफ होने वाले। लोकेशन की बात करूं तो धूलागढ़ कोलकाता लोकेशंस में ये जॉब्स होने वाले हैं। क्वालिफिकेशन में एनी पास कैंडिडेट कैन अप्लीकेबल फॉर दिस पोजीशंस। अगर आप 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, आप कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, की आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या का फेसिंग नहीं करने होंगे। सो यहां पर क्वालिफिकेशन डजन मीटर है, एज लिमिटेशन मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर्स है। एज का क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, तो एज का क्राइटेरिया आपका कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर आपका एज का क्राइटेरिया कंप्लीटेड है, यू कैन डू इट, आप इजली कर सकेंगे। सो यहां पर मैं बता दूं, सेम डे ज्वाइनिंग प्रोसेस है, मतलब आप जिस दिन विजिट करोगे उसी दिन आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर हो जाएगा। सो एवरीवन, एक चीज़ और बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप कॉल करके वो चीज़ पूछ सकते हो, जो वीडियो के स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके पूछ लेना। जस्ट बिकॉज कि हमारे पास में वो इन्फॉर्मेशन नहीं भेजा गया तो हमने आपके साथ में शेयर नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आप बताइए कि रूम एंड फूड फैसिलिटीज़ है या फिर नहीं है, तो ये चीज़ों के बारे में एटलीस्ट कि हमारे पास में शेयरिंग किया ही नहीं गया है, तो हम कैसे आपके साथ में शेयर कर दें। जस्ट बिकॉज कि आप कॉल करके पूछ सकते कि रूम फूड क्या फैसिलिटीज है फिर नहीं है। इस कंपनी में जो आपको सैलरी मिलेगा 12,000 रुपए महीने के सैलरी मिलेंगे, जो कि फिक्स अमाउंट नहीं है। कंपनी ने यह भी बताया कि सैलरी आपका इंक्रीजेबल होगा, नॉट ए फिक्सेबल सैलरी। हाँ, ये सैलरी इंक्रीजेबल होगा, टाइमली टू टाइमली आपका सैलरी इंक्रीज होगा, बट वैसे कैंडिडेट के लिए यह पॉसिबल हो पाएगा जो लेबोरियस है, जो मेहनती है, जो इस कंपनी में काम कर सकते हैं। सो यहां पर मैंने एटलीस्ट सब इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया। अब आपको अगर ये जॉब चाहिए तो वीडियो के स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके बात कर लीजिए और जॉब लीजिए। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ऑथेंटिक होता है, और हम आपके लिए जो भी शेयर करते हैं बहुत सोच समझ कर शेयर करते हैं। और जस्ट बिकॉज कि आप इस चैनल पे आते हो तो आपको भी पता है, इस चैनल पे जितने भी रिक्वायरमेंट आते हैं ब्लू माया प्राइवेट लिमिटेड प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से होता है, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्लेसमेंट एजेंसी होता है, और आपको जॉब्स भी मिलता है। चलिए, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नई जॉब्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।